आईपीएल 2024 का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला जो कि आरसीबी और राजस्थान रॉयल के बीच में खेला जाने वाला है 22 मई को। यह मुकाबला बहुत ही रोमांचक से भरपूर होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि राजस्थान रॉयल जो कि लगातार अपने 4 मैचेस हारने के बाद क्वालिफायर में पहुंची है, वहीं पर आरसीबी की बात करें तो आरसीबी की टीम लगातार अपने 6 मैचेस हारने के बाद और चेन्नई सुपर किंग को हरा करके आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में पहुंची है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 का एलिमिनेटर मुकाबला राजस्थान रॉयल और आरसीबी के बीच में खेला जाने वाला है 22 मई को। यह मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली इन दोनों टीमों की किस्मत का खेल लगभग बोले तो एक दूसरे से अलग रहा है, जहां पर राजस्थान रॉयल ने अपने शुरुआती मुकाबले में लगातार अपने मैचेस जीत करके नंबर 1 पर पॉइंट टेबल में रही है। वहीं पर आरसीबी की बात करें तो आरसीबी अपने लगातार 8 मुकाबले में से 7 मुकाबले हार चुकी थी और मात्र एक मुकाबले जीत करके पॉइंट टेबल के बिल्कुल बॉटम में 10वें स्थान पर थी। उसके बाद आरसीबी की बात करें तो आरसीबी ने लगातार अपने 6 मैचेस जीत करके 14 पॉइंट के साथ प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लिया है और क्वालिफाई करने के बाद यह मुकाबला 22 मई को खेला जाएगा, जो कि एक एलिमिनेटर मुकाबला होगा। जो इस मुकाबले को हारेगा, चाहे राजस्थान रॉयल हो या फिर आरसीबी, जो भी इस मुकाबले को हारेगा वह सीधे आईपीएल 2024 से बाहर हो जाएगा। हाँ जी फ्रेंड्स, और जो इस मुकाबले को जीतेगा उसको एक चांस और मिलेगा और क्वालिफायर 1 में जो टीमें हारी हुई रहेगी उस टीम के साथ उनको खेलने का मौका मिलेगा। फिर उन दोनों टीमों के बीच में मुकाबला होगा और जो टीमें जीतेगी उसको सीधे फाइनल का टिकट मिलेगा। फ्रेंड्स, पहला क्वालिफायर मुकाबला जो कि 21 मई को खेला जा रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइज हैदराबाद के बीच में। सनराइज हैदराबाद की खराब बैटिंग की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स ने शानदार गेंदबाजी करी और कोलकाता नाइट राइडर्स को मात्र 160 रनों के निजी स्कोर पर रोक दिया और बिल्कुल एक तरफा से मैच को जीत करके अपने नाम कर लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सीधे फाइनल का टिकट पा लिया है। सनराइज हैदराबाद को एक चांस और मिलेगा और क्वालिफायर 2 में जो टीम मैच जीतेगी वह सनराइज हैदराबाद से खेलेगी, चाहे राजस्थान रॉयल्स हो या फिर आरसीबी हो। फ्रेंड्स, राजस्थान रॉयल के कप्तान वहीं पर संजू सैमसन है। वहीं पर कुछ विदेशी खिलाड़ी जो कि राजस्थान रॉयल की तरफ से खेल रहे थे वह वापस लौट चुके हैं। वहीं पर सीबी की बात कर ले, आरसीबी के व्हील जैक जो कि विदेशी खिलाड़ी थे वह वापस जा चुके हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि फ्रेंड्स विल जैक एक शानदार बल्लेबाजी भी करते थे और साथ साथ गेंदबाजी भी करते थे। अब उनकी जगह पे मैक्सवेल खेल रहे हैं। मैक्सवेल कितना अच्छा कर सकते हैं आने वाले मैचेस में पता चलेगा। आपको क्या लगता है, आरसीबी या फिर राजस्थान रॉयल कौन सी टीम जीतने वाली है एलिमिनेटर मुकाबले को, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।